नौ दिन दुर्गा मानकर, नौ दिन दुर्गा मानकर जिसको है पूजा तुमने, फिर उसी देवी को क्यों पांव तले रौंदा तुमने। कितनी अच्छी और संवेदनशील बात कही है डॉक्टर चारू कपूर ने कि 9 दिन दुर्गा मानकर हम जिस देवी की पूजा करते हैं और फिर 10वें दिन 11वें दिन भूल जाते हैं कि ये वही देवी है जो हमारे घर में है, जो हमारी बीवी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में और अर्धांगिनी के रूप में या बहुत सारे अलग अलग रूपों में हमारे साथ है और फिर हम उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। क्या ये दोहरी मानसिकता हमारे देश में कभी खत्म होगी? क्या इसको खत्म किया जाना चाहिए या फिर स्त्री को देवी बनना ही नहीं है, वो नहीं चाहती? यदि मैं एक आम महिला की तरह बात करूं या डॉक्टर चारू की तरह बात करूं या मनीषा गौर की तरह बात करूं तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमें देवी माने, आप हमें सम्मान दे दें, आप हमें मौके दे दें आगे बढ़ने के, तो हम यूं ही कमाल कर जाएंगे। आज स्त्री की बात में आपसे बात करने के लिए आप सबके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर चारू कपूर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि फिजिक्स की प्रोफेसर होने के साथ साथ डॉक्टर चारू एक बहुत अच्छी पोइटेस हैं। संगीत विशारद इन्होंने किया है और संगीत में बहुत अच्छी इनकी मास्टरी है, बहुत खूबसूरत गाती हैं। इनके बारे में बात करें तो एशियन लिटरेरी सोसाइटी ने इनकी कविताओं को अवार्ड दिया है, मान्यता दी है। और चाहे देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे वैली ऑफ वर्ड्स जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हो, ये कई जगह इन्होंने अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी है। अमर उजाला में रेगुलरली लिखती हैं, स्क्राइब में लिखती हैं और इनकी कविता मेरी बेटी जिसको बहुत ही सम्मान मिला है। और ये जो स्त्री की बात है इसके बारे में बताना चाहूंगी आपको भी और उन नई साथियों से जो आज मेरे साथ जुड़ रही हैं कि हम ये जरूर देखते हैं कि हमारे आसपास स्त्रियां बहुत आगे बढ़ गई हैं और हमें लगता है कि हमारे देश में भी अब महिलाओं को वो जगह मिलने लगी है जो मिलना चाहिए। लेकिन माफ कीजिए, यदि आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगी 10-20% महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं पहुंच गई हैं, जिनको बराबरी के अवसर मिले हैं, जो हमारी तरह खुशकिस्मत हैं, जिन्हें मौके मिले हैं, अवसर मिले हैं और आगे बढ़ गए हैं। आज भी अपने शहरों से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर चले जाइए तो बहुत अच्छी स्थिति में महिलाएं नहीं हैं। और गांव की क्यों बात करें, शहरों में भी कई जगह जब आप बलात्कार की घटनाएं सुनते हैं, जब आप इफ्टीजिंग के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अगर आप किससे देख लें तो महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में अभी भी नहीं है। उनके लिए अभी भी लड़ने की जरूरत है और उनकी बात अभी भी की जानी चाहिए। आज हम स्त्री की बात में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर चारू आपसे ये बात करना चाहूंगी कि आप फिजिक्स पढ़ाती हैं जिसमें सारा काम दिमाग से होता है और बिना साबित किए कोई बात मानी नहीं जाती, और दूसरा आप कविताएं लिखती हैं, आप म्यूजिक में विशारद हैं, आप गाने गाती हैं, तो जो दिल से शुरू होता है और दिल पे ही खत्म हो जाता है, तो कैसे मैनेज करती हैं और कौन सा रोल ऐसा है जो आपको दिल के करीब है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि यही मैं हूं? जी बिल्कुल। फिजिक्स जो है दिमाग का सब्जेक्ट है इसमें, बट जब हम रिसर्च करते हैं फिजिक्स में, जैसे मैंने सुपर कंडक्टिविटी में रिसर्च करी हुई है, तो उसमें इंट्यूशन या इमेजिनेशन भी काम आती है जब हम कोई भी थ्योरी प्रपोज करते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो पोएट्री है या कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ये दिल दिल की बातें हैं। और ये आप मानेंगे नहीं, ये मेरे डीएनए में, मुझे विरासत में ही मिली, ये मेरे डीएनए में है। मेरे फादर जो हैं वो आईआईटी खड़गपुर के अपने टाइम के टॉपर हैं, आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए करा हुआ है, तो साइंस उनकी तरफ से आया। और माय मदर जो है वो बहुत अच्छा गाती थी, तो म्यूजिक और आर्ट्स उस तरफ से आया। तो ये जो मिला जुला संगम है साइंस और आर्ट्स का, वो मुझे विरासत में ही मिला है। तो मैं शुरू से इसको बैलेंस करती आई हूँ। और जहाँ तक दिल के करीब आप कह रहे, दोनों ही दिल के बहुत करीब हैं,
वैसे भी देखा जाए अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं की जिंदगी तो बैलेंस करते करते ही निकल जाती है। जी यहाँ पे एक बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि कविता या कला, कोई भी कला या कोई भी कलाकार जिंदगी में बड़ा खुश माना जाता है, बड़ा मूडी माना जाता है, तो कविता या कला जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है और क्यों हम सबको किसी न किसी कला से जुड़े रहना चाहिए, किसी न किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े रहना चाहिए। देखिए, कविता जो है जो हमारे आसपास हो रहा है या जो हमारी लाइफ में होता है, हम उसे अपने शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं, उसे शब्दों में बांध के बताते हैं कि ये सब हम फील करते हैं. सो इट इज यू कैन से कि इट इज अ रिएक्शन टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, आपके आसपास, आपके अपनी लाइफ में जो होता है. तो ये आपका रिएक्शन है टू सिचुएशंस एंड थिंग्स. और इसी तरह से मैं अपनी कविताओं में कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे लिखती हूँ, विमेन्स इश्यूज पे लिखती हूँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखती हूँ, या कुछ और देखती हूँ तो उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करती हूँ. तो इस तरह से मैंने अपनी कविताएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कविताओं के माध्यम से. तो मैं इसमें हिंदी और उर्दू दोनों, तो गंगा जमुनी तहजीब में लिखती हूँ. शुरू करते हैं आपकी कुछ लाइनों से, सुनने में मजा आ जाएगा, तो बताएं क्या सुनाना चाहेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक स्त्री जो है अपनी सारी जिंदगी दूसरों पर न्योछावर करती है, अपना प्यार, अपना सब कुछ न्योछावर करती है. और पर फिर भी जैसे कहा जाता है कि वो पराया धन है. तो मैंने अपनी एक कविता इस पर भी लिखी कि और उसका शीर्षक भी यही लिखा कि पराया धन. तो उसकी कुछ लाइंस मैं जरूर सुनाना चाहूंगी यहाँ पर कि अपने पूरे दिलो जान से मैंने सबको अपनाया, अपने पूरे दिलो जान से मैंने सबको अपनाया, अपनी जरूरत आन पड़ी तो खुद को अकेला ही पाया. कभी सास के तानों का वार, कभी पति की डांट फटकार, बदल रहे थे मौसम फिर भी मेरे जीवन में न आई बहार. औरत हूं क्या इसीलिए मैंने आजीवन सजा है पाई, औरत हूं क्या इसीलिए मैंने आजीवन सजा है पाई, सर्वस्व गवा दिया अपनों पर, फिर भी रही मैं पराई, फिर भी रही कुछ मैं. शानदार आपने लिखा है और इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे भी याद है, मैं उसको पूरा कर देती हूँ कि कभी कोख में उजड़ी, कभी जमाने ने उजाड़ा, मैं ही हूँ जिसने खुद मिटकर औरों का जीवन संवारा। तो ये जी एपिसोड साथियों हम समर्पित करने वाले हैं वो सारी होममेकर्स को, वो सारी महिलाओं को जो अपने लिए कुछ नहीं सोचती और पूरी जिंदगी अपने परिवार को बनाने में संवारने में निकाल देती हैं। हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और कहीं से भी अपने आप को कम मत आंकिए, आपसे बड़ा काम आज के समय में और कोई नहीं कर रहा। बहुत आसान है अपने लिए मेहनत कर लेना और अपने को कुछ बनाने के लिए बहुत सारी तकलीफें उठा लेना और बाद में ये कहना कि बड़ी मेहनत से मैं यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है अपने आप को साइड में रखकर बाकी परिवार के लोगों की, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, ननंद के लिए और बाकी जो भी लोग घर में होते हैं उनकी जिंदगी को संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देना और अपने बारे में नहीं सोचना। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। चारू जी, अगर हम बात करें तो आज भी हमारे समाज में बच्चियों को, जैसे कि आपने भी कविता में कहा कि पेट में ही मार दिया जाता है, तो क्या कारण है और कैसे इसको रोका जा सकता है और क्यों क्यों ये करने की किसी की हिम्मत हो जाती है, क्यों होता है, मतलब मुझे बहुत दुख होता है, तो क्या क्या हम कैसे रोक सकते हैं?
देखिए, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है कि हम आज भी भ्रूण हत्या, जिसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसे हम हमारे समाज में ये अभी भी होता है, जबकि ये मान्य नहीं है। तो ये क्यों किया जाता है? अब ये अवेयरनेस लाने की बात है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और ये बहुत ही गलत बात है कि आप कोख में ही उसे उजाड़ देते हैं। और मैंने इस पर ये जो कविता लिखी थी, जो मैंने आपको दो लाइनें सुनाई, कि 9 दिन हम जिसे दुर्गा मानकर पूछते हैं, और हमारे ये बहुत ही विडंबना है सोसाइटी में कि हम जिसे 9 दिन मानकर, दुर्गा मानकर पूछते हैं, उसी देवी का हम तिरस्कार करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, रेप करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज करते हैं। तो महिलाओं तो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम महिलाएं हैं, जिम्मेदारी ले लें कि आज के बाद कोई भी बच्ची को कोख में नहीं मारा जा सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक सवाल मुझे बड़ा मौजू सा लगता है कि एक माँ होती है जो किसी के कहने पे चली जाती है अस्पताल, है ना? अगर वो अड़ जाए कि नहीं, मैं ये चेक ही नहीं करवाऊंगी कि लड़का है या लड़की, तो ये संभव ही नहीं है। तो क्यों, क्या ऐसे हालात होते हैं? क्यों नहीं वो तैयार हो पाती? क्यों नहीं वो इतनी मजबूत हो पाती? और उसका इतना मजबूती देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो घर से ही शुरू होती है। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो घर में हैं, वो अपने फ्री टाइम में, अपने जो घर के कामकाज हैं, उसे फ्री होके, मैं मानती हूं कि हम सब में कुछ ना कुछ हुनर जरूर छुपा होता है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो या पेंटिंग हो या कुछ भी कला में हम किसी न किसी में निपुण होते हैं। तो वो हमारी सभी महिलाओं को किसी न किसी में अपने आप को व्यस्त रखना और अपने आप को सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट बनाने का जहां तक सवाल है, वो उनके अपने हाथ में है, वो जरूर उनको करना चाहिए, ताकि उनकी एक समाज में, अपने घर में, फिर समाज में रिस्पेक्ट बने, वो इंडिपेंडेंट हों, वो इंडिपेंडेंटली सोच सके। तो इसके लिए उस उनमें सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भरता की, जिस जो हम बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर बने, तो वो सब कर सकती हैं महिलाएं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ हुनर छुपाई है। तो क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी एक सवाल उठा था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सवाल उठाया था कि बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये बात सही है, अगर 18 साल में उनकी शादी कर देने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि बालिग हो गई हैं, तो बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे ग्रुप्स में आज भी 18 के होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। जबकि हम देखें तो 18 साल की बच्ची मेरे ख्याल से ग्रेजुएट होती है, मुश्किल से ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट भी नहीं भी होती। नहीं होती, ग्रेजुएट भी नहीं होती। तो अगर वो बेसिक पढ़ाई भी पूरी नहीं करती तो वो आत्मनिर्भर कैसे होगी? मतलब उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई चर्या नहीं है, कोई काम नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, तो आफ्टर मैरिज भी तो वो निर्भर हुई ना किसी के ऊपर। और जब भी आप किसी के ऊपर निर्भर होते हो, जब भी आप किसी के कंट्रोल में होते हो, आप कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो, सक्षम नहीं हो। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा हमें सोचना चाहिए या इस नियम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, आप 21 की बात करते हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां बचपन में ही शादियां हो जाती हैं। तो मुझे लगता है एज डज नॉट रियली मैटर। आप 18 कीजिए, 21 कीजिए, बट जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रूट लेवल पे, जब हम इसको रोकेंगे नहीं कि ये जो गलत होता है, बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं, जिस जो हम रोकेंगे नहीं, तो ये फिर भी होता रहेगा। तो ये लॉज बना देने से मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ेगा, जब तक हम इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एट द रूट लेवल करें, ग्राउंड लेवल पे हम इसको देखें कि ये कोई फ्लाउट नहीं करता, ये नियम सब फॉलो करते हैं।
तो मेरे हिसाब से हम ये भी देखें कि हम ये जो बना रहे हैं जो भी नियम, तो ये इसको फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं। पर जहां तक 21 पे मेच्योरिटी, यस, जैसे जैसे 18 पे जो मेच्योरिटी होती है एक लड़की की, 21 पे वो ज्यादा मेच्योर हो जाती है। दैट इज राइट, यू आर दैट इज अ वैलिड पॉइंट। तो मेरा ये मानना है कि यस, अ गर्ल और अ बॉय शुड बी मेच्योर इनफ टू प्लंज इनटू अ रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज, जब वो शादी के लिए मेच्योर हो तभी शादी होनी चाहिए। और एक औरत या एक लड़की अपने आप को एसर्ट करने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या मनवाने के लिए उसको उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए, या इंडिपेंडेंस तभी आएगी जब वो पढ़ी लिखी होगी या वो सशक्त होगी। जो हम विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें करते हैं, वो तभी होगा जब वो कुछ अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, तब उसकी थोड़ी से भी बढ़ेगी परिवार के डिसीजंस में। और बिल्कुल सही बात जैसे आपने कहा, और डिस्कशन से एक और बात निकल के आती है कि हम कानून कितने भी बना लें, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, उन कानूनों का पालन हम कैसे करवाएंगे। जी और जैसा कि हमने कहा कि 21 साल हो या 18 साल, लेकिन एक बात तय की जा सकती कि जैसे हम लड़कों का करते हैं ना, कि जब तक वो कमाने नहीं लगता हम उसको समझदार नहीं समझते कि चलो भाई अब कमाने लग गए अब इनकी शादी करेंगे, तो वैसा हम लड़कियों के मामले में क्यों नहीं सोचते। हमें लड़कियों के मामले में भी वैसा ही सोचना चाहिए कि चलिए अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जरूरत पड़ने पर अपनी व्यवस्था कर पाएंगी, अब हम इनकी शादी करते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये बिल्कुल विचार भी स्टेब्लिश हो जाए तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा। एक और बात डॉक्टर चारू, अगर हम देखते हैं हमारे समाज में तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस आते हैं, तो क्या हमारे फैमिली सिस्टम पे कुछ कहने की जरूरत है? क्या आपने डोमेस्टिक वायलेंस पे भी कुछ लिखा है? और क्या आपको लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए कवित्री, आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि हम बड़ी बातें करते हैं कि हमारा परिवार सिस्टम बहुत मजबूत है और डोमेस्टिक वायलेंस तो परिवार में ही होता है। देखिए, घर की चार दीवारी में ये जो वायलेंस है, जो जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, ये होता रहा है और आज भी होता है। और जैसे मैं पढ़ती हूँ बहुत कि कोरोना के चलते जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए। तो अपनी फ्रस्ट्रेशंस एक औरत एक लड़की पर निकाली गई, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज में। और ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज ये औरतों की, लड़कियों की, बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। और हम विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर ये घर से शुरू होता है। और ये क्राइम जो घर की चार दीवारी में है, जो बहुत सा अनरिपोर्टेड भी चला जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। औरत का सम्मान, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी, तभी हम 21वीं सदी में पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने अपनी कविता में कहा है कि 21वीं सदी में यह देश तभी पहुंच पाएगा जब औरत को देवी नहीं, बराबर का दर्जा दिया जाएगा। और आप उसकी रिस्पेक्ट करिए जैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करती है। ये यही मेरा मानना है कि हमारा समाज, हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम लड़कियों को, बेटियों को का आदर करना सीखेंगे और उन्हें हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें। यहाँ एक वाक्या मैं जरूर आप सब से शेयर करना चाहूंगी, साथियों सखियों, कि एक मेरी परिचित हैं, एक बार वो मुझे बता रही थी, मैं उनके बिना परमिशन के यहाँ उनका नाम नहीं ले सकती, पर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एक बार उनके और उनके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा था,
और दोनों हॉट टॉक्स हो रही थी, इतने में गुस्से से हस्बैंड ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अभी मैं एक चाटा मार दूंगा। तो ये बात उनकी मदर इन लॉ सुन रही थी, तो मदर इन लॉ ने बीच में इंटरवीन किया और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे होगी उसको हाथ लगाने की, किसी दूसरे की लड़की है, हम हमारी जिम्मेदारी पे लाए हैं, हाथ लगा के बता, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तो उन्होंने ऐसा कि ऐसा बोला, और जब उन्होंने ये वाक्य मुझे बताया तो वो बहुत खुश थी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने ये बोला, मैं सारा झगड़ा भूल गई और मैं उनके गले लग गई। तो मैं आप सब सखियां जो आज यहाँ सुन रही हैं उनसे एक बात तो ये कहना चाहूंगी कि एक महिला के ऊपर परिवार में किसी तरह का अत्याचार हो ही नहीं सकता अगर उस परिवार में कोई दूसरी महिला है तो, और अगर दूसरी महिला है उसके होते हुए होता है तो गलती फिर पुरुषों की नहीं है, गलती फिर हमारी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें वन होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से हम ये रोक पाएंगे। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे घरों में, घर की चार दीवारी के अंदर, ये हमारे अपब्रिंगिंग को रिफ्लेक्ट करता है। जिन घरों में महिलाओं की, लड़कियों की, बेटियों की इज्जत करनी नहीं सिखाई जाती, उन घरों में ये सब होता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस। तो हमें शुरू से ही अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये सब सिखाना चाहिए कि ये बहुत ही गलत चीज है। देखिए, डिस्कशन में निकल के डॉक्टर चारू के साथ एक और बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि माओं की बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे, कि आप अपनी बच्ची को तो शुरू से सिखाती हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो एक पराया धन वाली बात जो आपने सुनी थी आप उसको भी कहती हैं, लेकिन वो पराया धन नहीं है। सबसे पहले तो ये बात भूल जाए, और ये ध्यान रखिए कि जो आप उसके लिए सिखाती हैं उतना ही आपको अपने बेटों को सिखाना है। क्योंकि अगर लड़के को बचपन से ट्रेन करेंगे कि दूसरी महिलाओं का कैसे सम्मान करना है या रिस्पेक्ट करना है तो निश्चित ही ये हमारे परिवारों में होना बंद हो जाएगा। तो माओं की, अगर आप एक माँ हैं और ये देख रही हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि जितनी ट्रेनिंग, जितनी सीख आप अपनी लड़की को देते हैं उतनी सीख आपको अपने लड़के को भी देना जरूरी है। तो ये सब बच्चियां जो आज इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी, उनको आप कौन सी चार लाइनें समर्पित करना चाहेंगे? उस समाज का क्या भविष्य, उस समाज का क्या भविष्य जहां औरत का तिरस्कार हो, जहां उसका अपना अस्तित्व चूल्हे में जलकर राख हो। 21वीं सदी में यह देश तभी पहुंच पाएगा, 21वीं सदी में यह देश तभी पहुंच पाएगा जब औरत को देवी नहीं बराबर का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मार्के की बात है। और अपनी सारी महिला बिरादरी के साथ कम से कम उनको इंसानियत का हक ही मिल जाए तो बहुत है। डॉक्टर चारू, आपने मुझे एक बार बताया था कि आपने निर्भया पे भी कुछ लिखा है, तो आप प्लीज सुना दीजिए। मनीषा जी, हमारे समाज में जो लड़कियों और औरतों के खिलाफ क्राइम होते हैं, उस पर मैंने कुछ यूं लिखा, जिसका शीर्षक था राख का ढेर। आए दिन हम कभी कथुआ, कभी निर्भया, कभी कुछ और सुनते हैं, हाथरस, और हम उनको सुनकर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो इस पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं जरूर आपको, आज स्त्री की बात हो रही है तो सुनाना चाहूंगी। राख का ढेर। रोने को भी जब रो न सके, रोने को भी जब रो न सके, अश्कों से दामन धो न सके, सांसें ऐसी दुश्वार हुई कि उनका भार भी ढो न सके। जिस्म सिर्फ नहीं मैं जिसको लूट खसोट कर नोच लिया, जिस्म सिर्फ नहीं मैं जिसको लूट खसोट के नोच लिया, चीखी फिर भी चीख न निकली, दरिंदगी ने हाय बेबस किया। माँ जिसने अपनी लाडो का पैर जमी पर रखने न दिया, उसी अलहड़ कमसिन कली को
पांव तले ही रौंद दिया। क्या कभी वह बेबाक हंसी लौट के फिर आ जाएगी? क्या कहीं कोई कचहरी मुझको इंसाफ दिला भी पाएगी? निर्भया हो या आसिफा हो, अब नाम क्या, समाज क्या? खुद में खुद ही न रहा जब राख के ढेर में, अब बचा ही क्या? राख के ढेर में बचा ही क्या? तो जब भी इस तरह के घटनाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इतना दर्द होता है और इतनी शर्मनाक बात है ये कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं? क्यों हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों का और महिलाओं का, हम 90 साल तक की महिला को भी नहीं छोड़ते? किस तरह का समाज है ये? ये देखिए, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी कुरीति है जो अब खत्म होनी चाहिए, और हमें अपनी बेटियों की, अपनी महिलाओं की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप एक वर्किंग वुमन है, क्या जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ है कभी जब आपको ऐसा लगा होगा कि आप बड़ी परेशान रही हो? क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती, किसी की भी संघर्ष आते हैं और संघर्ष के बिना जिंदगी का मजा भी नहीं है। तो किन्हीं संघर्ष के दिनों में आपकी कविताओं ने आपको संभाल लिया हो, ऐसा कोई वाकया हो अगर बता पाए तो? ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी। एक बच्चे के साथ एक नए हाउस होल्ड में सब कुछ करना और साथ में पीएचडी भी करना और पेपर्स पब्लिश करना, प्रेजेंट करना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, तो बहुत ही कशमकश थी, बहुत एक स्ट्रगल थी लाइफ में। पर उससे निकलने का मैं कहती हूँ ये माध्यम था मेरा म्यूजिक और मेरी कविताएं। मेरी म्यूजिक और कविताओं ने मुझे एक आउटलेट दिया कि मैं अपनी भावनाओं को, अपने अंदर जो उथल पुथल होती है, उनको व्यक्त कर सकूं। जब मेरी मदर की भी फिर बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और शी वॉज वेरी यंग, तो बहुत स्ट्रगल थी। पर उन दिनों में म्यूजिक और पोइट्री का सहारा था, जिसकी वजह से मुझे कहते हैं कि मन की शांति के लिए और सैनिटी के लिए, जो बहुत जरूरी थी। पर ये आपके सैनिटी के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए, गुड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो अंदर के भाव हैं उनको आप किसी भी तरह आउटलेट दे सकें, उनको व्यक्त कर सकें। देखिए, इस डिस्कशन का एक और हासिल है हमारे पास अभी कि हर वो महिला जो ये डिस्कशन अभी सुन रही हैं, वो ये ध्यान रखें कि जिंदगी कभी भी नीरस नहीं होती, बोरिंग नहीं होती। हो सकता है आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, पर आपके अपने स्व का क्या, आपके अपने अंतर्मन का क्या, उसको जैसे डॉक्टर चारू ने कहा कि कोई ना कोई आउटलेट मिलना ही चाहिए। तो कौन सी कला आपको पसंद है, कौन सा साहित्य आपको पसंद है, क्या आप सुनना पहले पसंद करती थी? आपको याद होगा कॉलेज के जमाने में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो हम पसंद करते हैं, लेकिन एक बार जिंदगी की लड़ाई में उतर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो आप कविताएं सुनना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, और कुछ लिखना चाहती हैं, म्यूजिक सुनना चाहती हैं, म्यूजिक सीखना चाहती हैं, डांस सीखना चाहती हैं, और इसके लिए किसी समय की जरूरत नहीं होती और उम्र की जरूरत भी नहीं होती। तो सखियों, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आप कितना जुड़ी रही हैं अपनी परंपराओं से और अपनी कला से और अपने आर्ट से, तो आप जुड़िए, आपका परिवार अपने आप जुड़ जाएगा। तो आज इस डिस्कशन का एक ये हासिल है कि कुछ ना कुछ अच्छा सुनना है, कुछ ना कुछ अच्छा कहना है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे पैशन होते हैं, हम उसके लिए टाइम जरूर निकालते हैं। मैं अपने घर का भी ध्यान रखती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी कुछ भी करना चाहे, अगर आपका पैशन है, आपके इरादे बुलंद हैं, आप
करना चाहते हैं तो आपके पास समय जरूर निकल आएगा। बिल्कुल, देखिए मैं चूंकि एक लाइफ कोच हूँ इसलिए हर बात मैं या तो कुछ सिखा देती हूँ या कुछ सीख लेती हूँ, तो अब मैं आपको सिखा भी रही हूँ और मैं खुद भी सीख रही हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए कभी आप ये नहीं कह सकते कि समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगर जुनून आपका 100% है और आप सच में कुछ चाहती हैं तो आप उसके लिए रास्ता निकाल ही लेंगी। जैसे कि डॉक्टर चारू ने कहा कि जरूरत पड़ती है तो रात को 12 बजे तक जग के भी वो काम पूरा करती है, कविता पूरा करती है, क्योंकि जुनून है। तो यदि आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं जुनून में कमी है, और उसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं कि समय नहीं मिला या मौका नहीं मिला या इन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने मदद नहीं की। पहले आप तो अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए, और जिस मिनट आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी, इस बात का विश्वास मैं आपको दिला सकती हूँ। बिल्कुल डॉक्टर चारू, आपकी अगली कविता जो आपको बहुत पसंद है। अब मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी जिस पर मुझे 2019 में एशियन लिटरेरी सोसाइटी द्वारा वर्ड स्मिथ अवार्ड मिला। तो ये कविता मैंने अमलतास का पेड़ होता है, जिनको नहीं पता, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पर पीले फूल आते हैं, और जब मैं क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में जब बहुत गर्मी होती है मई जून में तो ये फूल खिलते हैं, और जब ये गिरते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि लोदी रोड है यहाँ पर दिल्ली में जहाँ मैं जरूर देखने जाती हूँ जब ये फूल खिलते हैं भयंकर जब गर्मी होती है। तो उस पर मैंने एक रोमांटिक कविता वीव करी है अमलतास के इर्द गिर्द। तो अमलतास को देख आज कुछ भूला बिसरा याद आया, अमलतास को देख आज कुछ भूला बिसरा याद आया, पीछे छोड़ चुके थे जिसको वही लम्हा सामने खड़ा पाया, चिलचिलाती धूप में जब पीले फूलों की चादर पर, चिलचिलाती धूप में जब पीले फूलों की चादर पर एक दूजे की बातों में दोपहर गुजारा करते थे, कभी रूठते कभी मनाते, कभी हंसते कभी रुलाते, कभी गहरे सन्नाटों में आंखों से बातें करते थे, कभी प्यार उमड़ता तो चुपके से मेरे बालों में, अमलतास के फूल तो यूं ही सजाया करते थे। क्या वक्त था क्या दौर था, क्या वक्त था क्या दौर था, न भूख थी न प्यास थी न मुस्तकबिल की फिक्र थी, मुस्तकबिल मींस फ्यूचर, तो वो दौर ऐसा था कि हमें कुछ फिक्र ही नहीं थी किसी चीज की, तो न मुस्तकबिल की फिक्र थी बस एक मिलने की आस थी। वक्त बदला मौसम बदले सारा मंजर बदल गया, तुम्हारे साथ बीता हर एक पल गुजरा नहीं ठहर गया, अमलतास के फूल शायद उन्हें भी कुछ याद दिलाए, अमलतास के फूल शायद उन्हें भी कुछ याद दिलाए, बरसों पहले मुंह मोड़ गए जो वहीं रह गए हम पलके बिछाए, वहीं रह गए हम पलके बिछाए। तो ये थी मेरी अमलतास जो मैंने इस बहुत ही खूबसूरत पेड़ है जो हम आप जिस जिन्होंने नहीं देखा मैं सोचती हूँ उनको जरूर देखना चाहिए ये अमलतास का पेड़, और जब मई जून में इनके जब फूल गिरते हैं तो इस तरह की पोयम हम जैसे लोग लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी पोयम है, और चूंकि इश्क के इर्द गिर्द लिखी है तो मुझे लगता है कि अगली बात उसी पे होनी चाहिए। अभी बहुत ट्रेंड हो गया है, इवन बच्चियां भी बड़ा सपोर्ट करती हैं उसको, मेरे पास कई सारे काउंसलिंग और कोचिंग के लिए केसेस आते हैं, लिव इन बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसको नए जमाने के लोग नए बच्चे मान्यता भी दे रहे हैं कई बार, आप इसको कैसे देखती हैं?
और आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बारे में मेरी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। तो मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई एक्सपेरिमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। कि आप ये कहें कि हम लिव इन करके, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, हम साथ रह भी सकते हैं। देखिए, मैरिज में जब हम एक शादी में बंधते हैं तो हम सभी, हम दोनों जो पार्टनर्स हैं उसके कमी और खूबियों के साथ हम दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में हमें यही सिखाया गया है कि ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है और कंपेनियनशिप है। और हम एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। तो मैं इस नए ट्रेंड से थोड़ा सा परहेज रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन, अनलेस कि आपके मैरिज में कुछ अब्यूजिव एलिमेंट्स हैं, आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते, या डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ और इस तरह की चीज है जिससे आप इकट्ठा नहीं रह सकते, तो तब आप ब्रेक करते हैं वो बॉन्ड। पर मैं ये समझती हूँ ये एक्सपेरिमेंटेशन के साथ रह के देख लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये कुछ ठीक नहीं है, ये ट्रेंड। तो मैं ये सोचती हूँ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करें, और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। अगर इसमें हम देखें तो कुछ रिश्ते इतने अच्छे होते हैं जिसमें पहले तो कंपटीशन नहीं होती। जैसे आपने कहा कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम कम्पीट नहीं करते। हस्बैंड जी वाइफ कभी भी आपस में कम्पीट नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो साथ रह सकते हैं। द मोमेंट दे स्टार्ट कॉम्पिटिशन, जब भी वो कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे मसले होंगे। और जहां तक परफेक्शन की बात है तो हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ऐसा आपके पास है जिसको बदलने की जरूरत है और कुछ ऐसा मेरे पास भी है जिसको बदलने की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप बदल जाओ और आप हमेशा ये सोचती हो कि मैं बदल जाऊँ। हम अपनी तरफ नहीं देखते, बाकी सबकी तरफ देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सबके तरफ देखने वाली बात है यही कहीं ना कहीं समस्या लेकर आती है। बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपसे और बहुत सारा हम सब ने डिस्कशन किया और ये डिस्कशन बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत कुछ सीखा। स्त्री की बात के अगले एपिसोड में हम सब साथियों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर चारू से फिर कुछ अच्छा सुनना चाहूंगी। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक कविता जिसे सेतु, एक जर्नल है जो यूएस से पब्लिश होता है, उसने बेस्ट ऑफ विमेन पोएट्री पर एक अपना एक स्पेशल एडिशन जी निकाला था। तो उसमें मेरी ये पोएम पब्लिश हुई थी जो मैंने मेरी बेटी मेरा अभिमान पर लिखी है। इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं बता दूं कि मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड देखने गई थी। तो वहां मेरी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जो अपने बेटे की पासिंग आउट के लिए आई थी, और उनके साथ उनकी बेटी थी जो भी ट्रेन हो रही है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, चेन्नई में। तो मैं उसको देख के इतनी प्रभावित हुई कि एक लेडी जिनके हस्बैंड भी इंडियन आर्मी में थे और उन्होंने अपने बेटे को भी इंडियन आर्मी में भेजा है, और अपनी बेटी जो फूल सी है उसको भी इंडियन आर्मी के लिए वो तैयार हो रही है। तो हालांकि मेरे दो बेटे हैं, बट उनकी कहानी सुनकर, उसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है वहां पर, उसकी उसके इंस्टेंसेस सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने देहरादून में ही पासिंग आउट परेड देखने के बाद ही ये कविता लिखी कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, और ये पब्लिश भी हुई सेतु जर्नल में।
तो पूछते हैं लोग कि फौलाद है या माँ का कलेजा, पहले बेटा फिर अपनी लाडो को फौज में तुमने कैसे भेजा। खूल सी नन्ही परी जिसको मैंने नाजों से था पाला, जिसके आने से मेरे घर का जर्रा जर्रा हुआ उजियारा, जिसकी अटखेलियों से मेरा सारा चमन महकता था, जिसकी खिलखिलाहट से मेरा घर आंगन चहकता था। मेरी छोटी सी लाडली में मैंने बड़ा इरादा देखा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनूनी वादा देखा है। क्या हुआ कि कोमल हाथ अब सख्त और कठोर हुए, क्या हुआ कि सजने सवरने की उम्र के रंगी सपने दूर हुए, तब क्या हुआ कि उसकी डगर निष्ठुर है दुश्वार है, अब हर चुनौती के लिए वह सजग है होशियार है। क्या हुआ शहनाइयां नहीं यहाँ फर्ज की ललकार है, हर माँ से इस माँ से बहुत दूर सही बेटी देश के लिए तैयार है। आज मेरी बेटी मेरा गौरव मेरा अभिमान है, आज मेरी बेटी मेरा गौरव मेरा अभिमान है, वारी जाऊं उस पर मेरा सर्वस्व कुर्बान है, वारी जाऊं उस पर मेरा सर्वस्व कुर्बान है। तो ये है मेरी बेटी। बहुत शानदार कविता, इसका नाम है मेरी बेटी। तो मैं आज आप सभी बेटियों को ये समर्पित करती हूँ कविता कि आप सब हमारा अपमान है। और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उससे बहुत ऊंचे का मुकाम तक जाए। और सखियों, जो भी आप यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपकी बेटी के साथ कोई समस्या है, वो कुछ पहुँचना चाहती है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्टर चारू, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी मदद कर सकती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि स्त्री की बात में इतने सारे डिस्कशन करने का मकसद ये है कि हम हमारी सारी महिला साथियों तक पहुँच पाए, बच्चियों की मदद कर पाए, नए नए बात पे डिस्कशन करें, क्योंकि कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखती हैं। आज डॉक्टर चारू से हमने कुछ सीखा है, कल मैं आपसे कुछ सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखूंगी। तो ऐसा कुछ भी जो आपके मन में हो, आप किसी और को अगर इस स्त्री की बात में एज अ गेस्ट बुलाना चाहती हैं, तो मुझे नाम जरूर लिखिएगा। डॉक्टर चारू से बात करना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई भी मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वो मैसेज उन तक पहुंचाएंगे। और बाद में उनका क्या जवाब है, वो जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपकी साथी, आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा गौर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर हूँ, और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी शांति ला पाऊं इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, छोटी सी पीस एक्टिविस्ट, और कुछ कुछ मन में आता है तो लिख भी लेती हूँ। ऐसे डॉक्टर चारू जैसे और सारे बहुत सारे लोगों से हम डिस्कस करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, जब बिल्कुल निकलेगी नहीं तो क्या होगा। तो डॉक्टर चारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। फिर आपसे बात करेंगे और करते रहेंगे। नमस्कार, जय भारत।